इसराइल ने हमास के कब्जे वाले गाजा में जब से अपना सैन्य अभियान चलाया है तब से फिलिस्तीन के कई चरमपंथी संगठन सक्रिय हो गए हैं। इतना ही नहीं, ईरान के समर्थन से ये संगठन इसराइल पर हमलावर भी हैं। एक दो नहीं बल्कि कई संगठन अकेले इसराइल पर हावी हैं। हमास के लड़ाकों के अलावा लेबनान का हिजबुल्ला, हूती विद्रोही, तो वहीं इराक और सीरिया के कई प्रतिरोधी संगठन सब एकजुट होकर इसराइल पर टूट पड़े हैं। अब इराक के इस्लामिक प्रतिरोध ने दावा किया है कि उसके लड़ाकों ने इजरायली कब्जे के खिलाफ अपने निरंतर अभियानों के तहत हाइफा तेल बंदरगाह को निशाना बनाया है। लड़ाकों ने दो ड्रोन्स की मदद से इजरायली कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाकों में हाइफा के तेल बंदरगाह पर बड़े नुकसान का दावा किया है। इसके अलावा इराक के मिलिशिया ग्रुप ने कब्जे वाले इलाकों में 3 इजरायली टारगेट्स पर भी हमला करने का दावा किया है। संगठन ने बताया कि पिछले 72 घंटों में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य और एस्केलोन तेल बंदरगाह के अलावा एस्केलोन में एक और लक्ष्य पर हमला किया है। इराक के ईरान समर्थित संगठन ने यह भी दावा किया है कि उसके लड़ाकों ने बियर अल साबे में हज़री में एयरपोर्ट पर भीषण हमला किया, साथ ही ड्रोन के साथ कब्जे वाले गोलान में यार्डन अड्डे पर सटीक वार किया है। इराकी प्रतिरोध ने अपने बयान में कहा कि ये हमला इजरायली कब्जे का विरोध करने, गाजा में लोगों के समर्थन समेत फिलिस्तीनी नागरिकों के खिलाफ इजरायली नरसंहार के जवाब में है। जब तक इजरायल गाजा में खून खराबा जारी रखता है तब तक वो अपना आक्रामक रवैया जारी रखेगा। इससे पहले इराक के इस चरमपंथी संगठन ने इजरायली कब्जे वाले इलाकों में दक्षिणी योनाटन बैरिक को निशाना बनाया था। इसके अलावा लड़ाकों ने कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाकों में तिब्रियास झील के उत्तर में जायोनी एलिफ्लिट बेस को निशाना बनाया था। दावा है कि इस हमले में IDF के कई सैनिक या तो घायल हुए हैं या फिर मारे गए हैं। हालांकि इजरायली बलों ने इस पर चुप्पी साधी हुई है। हाल के महीनों में इराक के एक प्रमुख गुट इस्लामिक रेजिस्टेंस ने इजरायली ठिकानों पर हमलों की एक झड़ी सी लगा दी है। बताया जाता है कि इस मिलिशिया ग्रुप को अपने मकसद में कामयाबी भी मिली है। इजरायली रक्षा बलों को चौतरफा हमलों का सामना करना पड़ रहा है। दावा किया जा रहा है कि ईरानी मदद के बूते ये संगठन इसराइल पर हावी है। ईरान इसराइल से सीधे युद्ध लड़ने के बजाय प्रॉक्सी वॉर के जरिए अपने हित साधता नजर आ रहा है। इसराइल लगातार ये कह रहा है कि मिडिल ईस्ट में भड़कती इस आग को बढ़ाने में ईरान का बड़ा रोल है। बता दें कि इराक का मिलिशिया ग्रुप इसराइल हमास युद्ध की शुरुआत के बाद से कब्जे वाले इलाकों में मौजूदा इसराइली लक्ष्यों के खिलाफ कई अभियान चला रहा है।